चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। मैं और पप्पा हम दोनों लुधियाना से वापस आ रहे थे। तो हम लोग आते हुए बहुत सारे जो आते ना वो ढाबे और ये सब, उस पर सोच रहे थे रुकेंगे किसी ना तो किसी पे। तो 2:30 बज रहे होंगे, हम एक ढाबे पे उतरे तो बहुत लेट हो रखी थी। तो जो वेटर था वो हमारे पास आता, सर जी आप क्या लेंगे? वो पप्पा बोलता आप भैन जो चावल ले आओ, राजमा ले आओ। मैं बोला हाँ भैया, बटर रोटी ले आओ, नान हाँ, और ले आना क्या बोलते पनीर बटर मसाला हाँ, और भैया एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी दे देना भैया, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी हार्ड एकदम। और वो बहुत अच्छे से आया, तहसीब में सब कुछ अच्छे से दिया, और हर 5 मिनट में आके भैया और कुछ चाहिए आपको, सब ठीक है? हाँ। हम लोगों ने पूरा खाना वाना खाया, सब कुछ किया। उसके बाद ना वो बंदा हमारे पास आता है बिल लेके। बिल था कुछ ऐसी 1,399, 1,399 का बिल था। पप्पा मुझे देखता बोलता भैंचो अच्छा खासा पैसा आ गया भाई, हैं अच्छी खासी आ गई है भाई बिल तो। बोला बात तो सही है भाई, आ तो गई है। तो भैया वो बोलता एकदम, भैया यार क्यूआर कोड ले आना, क्यूआर कोड दे दो। तो वो ना एकदम से वेटर आता और बोलता पप्पा से, भैया ये तो मतलब खाने वाने का है, और अगर आप कुछ मतलब टिप। पप्पा बोलता है क्या? वो कहते टिप टिप, मतलब जैसे अनुसार आप जैसे देना चाहो टिप थोड़ी सी। बोलता अच्छा, बोलता है एकदम से मेरी तरफ क्यूआर कोड लेके स्कैन करके पेमेंट करता है। बोलता भाई यार फिर जल्दी चले, टाइम हो गया है। ठीक है भाई, हम बाहर निकल रहे हैं, जैसे ही दरवाज़ा खोल रहा हूँ पीछे से आवाज़ आती है, गूगल पे में प्राप्त हुए 1,400 रुपये, 1,399 का बिल था। मैं पीछे देख रहा हूँ, वो जो वेटर था वो पप्पा को ऐसे देख रहा है, और पप्पा मुझे बोल रहा है भाई चल ना यार थोड़ी देर हो गई है, अब निकलते हैं यहाँ से यार, लेट्स गो यार, चलते हैं यार। मेरा मन आजकल टिप देने का नहीं कर रहा है।